लो भैया जी, बंदे कह रहे हैं कि भैया हम सुधरेंगे ही नहीं, तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो हम सुधरेंगे ही नहीं। भैया जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे सीमा हैदर नहीं, वो पाकिस्तान वाली नहीं, एक दूसरी सीमा होती है, तो वो अंतरात्मा होती है ना अपनी, इसलिए। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ उन बंदों की जिनके पास भैया XUV700। भाई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो यार तुम इस गाड़ी का, XUV700 का। फिर एक वीडियो मेरे सामने आई है, भाई देखो यार बंदा क्या कह रहा है, मतलब वीडियो रील के चक्कर में ना भाई अपनी जान खतरे में डाल दी इस बंदे ने, ठीक है। XUV खुद तो पीछे बैठा है भैया दूसरी सीट में, ठीक है, और भैया आगे ना तो ड्राइवर है, ना तो को ड्राइवर है, मतलब कि को पैसेंजर है ना। भैया मेरे हिसाब से ये बंदा भी अकेला ही बैठा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। भाई उससे हमें क्या लेना देना अकेला है या नहीं, बट एक चीज़ तुम ध्यान से देखो भाई, इतना रिस्क कैसे उठा लिया इस बंदे ने। मतलब अकेला है या है कोई और मेरे को नहीं पता, लेकिन फ़ोन लेके रील बना रहा है, और भाई गाड़ी एडास के भरोसे छोड़ दी इसने। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि भाई गाड़ी एडास के सहारे मत छोड़ा करो, ये कतई तुम इतना रिस्क उठाते हो ना अपनी ज़िंदगी के साथ। भैया तुम मतलब क्या होगा यार, तुम मतलब क्या हो गया है यार आजकल की जनरेशन को, क्या मजाक ले रहे हो यार हर एक चीज़ को। तो भैया इसका भी एक्सीडेंट हुआ है, और देखो गाड़ी की क्या हालत हो गई। वो तो होना था यार, मतलब कि जाहिर सी बात है होना ही था, कि भैया जो तुम हरकतें कर रहे हो ना उससे तुम्हारा तो भैया नुकसान है। भाई जो आगे अगर मान लो ये पता नहीं किसके साथ ठुकी है किसके साथ नहीं, अब इसकी जगह भैया कोई बाइक वाला होता या फिर स्कूटी वाला होता या टू व्हीलर वाला कोई भी होता, भाई उस तुम खुद की जान को खतरा डाल रहे हो, भाई उसकी भी जान को खतरा तुमने, मतलब खतरा क्या भाई, वो बंदा नहीं बचना था मेरे हिसाब से अगर इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता हाईवे पे। क्योंकि सड़क पे बंदा वैसे ही बिना हेलमेट के लगभग बंदा पब्लिक चलती है भारत की, और बिना हेलमेट के अगर बंदा कोई चला होता तुम्हारे आगे, तो भैया तुमने उसको ठोक के ना ऊपर पहुंचा देना था, जो कि भाई उसकी ज़िंदगी तो तुमने छीन लेनी थी, और खुद भी भैया इतना रिस्क में चल रहे हो कि क्या बताऊँ। भाई मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस वाले ना इस चीज़ पर कड़ी से कड़ी एक्शन लें, और भाई इनको ना एक तो भाई इनका लाइसेंस जब्त करवा लें, दूसरा इनको सज़ा दिलवा दे। भाई हमारी तो यही अपील है, बोल बोल के थक गए, वीडियो बना बना के थक गए। एडास एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको भैया आप हल्के में मत लो और इसका मिसयूज़ मत करो, नहीं प्रबंधों को मारना कहाँ है भैया। तो भाई ये चीज़ आप मेरी चीज़ मतलब कि जो मैं कहा है मैंने उस चीज़ से अगर आप सहमत हो ना, तो भैया एक चीज़ कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी दुर्घटनाएँ हम बताते रहेंगे और उसके बारे में अवेयर करते रहेंगे, और नई नई गाड़ियों के बारे में भी हम बताते ही रहते हैं वैसे। और दूसरी बात कि भैया लाल वाले बटन पे सब्सक्राइब करोगे ना जब, बड़ा मज़ा आएगा कसम से, एक बार करके देख लो तुम।